हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे आप सभी बच्चों? रेगुलर हमारी स्टडी चल रही है, टेंस का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था, लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी, उसमें पास्ट टेंस देखा था। पास्ट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखा था। तो बच्चों आज इसको कंप्लीट करते हैं, जो हमारा पास्ट टेंस है। टेंस हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, जो बच्चा रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो रेगुलर इसको पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो ने बीच में भी ज्वाइन किया तो पिछले वीडियो देखा, बहुत ईजी वे में आपको सिखाया गया है। जो हम पढ़ रहे थे टेंस में, वो पढ़ रहे थे पास्ट टेंस। इस पास्ट टेंस में देखा था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बच्चों हम लोग इसमें पढ़े थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने पॉजिटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया था। देखिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं। TIV पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस की खास बात थी कि उसके अंदर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी बच्चों, ये हमने जाना था। ठीक है, जैसे ऐसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई भी सेंटेंस हम लोग छोटा देख सकते हैं, जैसे राम बाजार गया। ठीक है बच्चों, राम बाजार गया, तो यहां पर हम कह देंगे राम वेंट टू मार्केट। ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस हमने देखा सीधा सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ गई थी। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी जहां तक है। आज जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, इसमें पढ़ेंगे इसका अगला सेंटेंस, वो होगा नेगेटिव, NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बच्चों नकारात्मक वाक्य इसको कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब है वाक्य में क्या होना, नहीं का होना। नहीं का होना, नहीं का नहीं होना नहीं होता है, नहीं का होना ही नकारात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे मान लो मैं एक छोटा सेंटेंस लिखता हूं इसी वाक्य को लेकर, राम बाजार गया, तो मैं यहां पर लिखूं कि राम बाजार नहीं गया, नहीं गया। तो बच्चों बनेगा कैसे, आप इधर देखिए। हमने नेगेटिव सेंटेंस जाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस का जो है हम एक बार फॉर्मेट देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही बच्चों इसमें डिड, और उसके साथ में नोट। बच्चों एक बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्या होता है कि जो नोट जो होता है वो कभी भी अकेला नहीं आता, उसके साथ कोई ना कोई ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है। समझ गए ना, यानी कि उसके सेंटेंस में होती होती, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है डिड, और डिड नॉट जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आप माइंड में सेट कर लीजिए, नकारात्मक वाक्य के अंदर जो है बच्चों यूज होता है डिड, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? ओके, देखिए सेंटेंस बनाते हैं। हमारे पास सेंटेंस था राम बाजार नहीं गया। कौन सा था? राम बाजार नहीं गया। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? ओके, राम बाजार नहीं गया। अब नहीं गया था या नहीं गया, वो एक ही बात होती है बच्चों, यस्टरडे कल कर सकते हैं। तो देखो लिखते हैं राम नहीं गया को बोलेंगे डिड नॉट, गया को बोलते हैं गो। यहां पर राम डिड नॉट गो टू मार्केट, राम डिड नॉट गो टू मार्केट। बच्चों ये सेंटेंस हमारा बन गया है, राम डिड नॉट गो टू मार्केट। नेगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने सेंटेंस को जो है नॉट के साथ में यूज करके बनाया है। एक और वाक्य बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने वाक्य बनाया अध्यापक ने मुझे कल नहीं पढ़ाया, अध्यापक ने मुझे कल नहीं पढ़ाया। तो बच्चों क्या होगा इसका, कई बच्चे तो बना लेते हैं वीडियो देख देखते ही, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। क्या लिखेंगे? द टीचर डिड नॉट टीच, यहां पर आ जाएगा द टीचर डिड नॉट टीच मी, टीचर ही पढ़ाना, मी डिड नॉट नहीं पढ़ाया, टीच मी यस्टरडे, यहां पर क्या कर देंगे, यस्टरडे कर देंगे, द टीचर डिड नॉट टीच मी यस्टरडे। तो बच्चों इस तरह से बनता है हमारा
नेगेटिव सेंटेंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे, देखते हैं इसको हम सेंटेंस जो हमारे होंगे बहुत अच्छे से, मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव हमारे हो चुके हैं। और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आप लोग जब पढ़ रहे हो अकेडमी क्लासेज में, तो व्हाट व्हेन वेयर व्हाई व्हिच सभी आता है, उन सबके बाद ज़्यादातर क्या आता है, डिड आता है। तो बच्चों जो डिड आता है समझ जाइए वो पास्ट इंडेफिनेट का ही बना हुआ सेंटेंस होता है। तो अभी हम जान रहे हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, कौन सा इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बच्चों दो तरह से होते हैं, बताया गया आपको, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और डब्ल्यू एच वर्ब से शुरू होने वाला। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बच्चों आ गई है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। जब डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो डब्ल्यू एच वर्ड को शुरू में लिख देंगे प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस तरह से इसका जो है प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बच्चों? देखिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप अच्छे से सेंटेंस को समझ सकते हैं। सभी सेंटेंस जो है बच्चों बहुत इजी तरीके से आपको बताए जा रहे हैं, इजी वे में जो है आप इनको समझ रहे हैं, डब्ल्यू एच वर्ड और डिड समझ जाइए। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब में आ रहा है तो डिड से स्टार्ट कर देंगे, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, वाक्य में क्या आ जाएगा, ओके। और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले में कौन क्या कहां कब कैसे वाक्य के बीच में दिया हुआ आता है, समझ गए होंगे आप सभी। देखिए आगे आगे जो सेंटेंस आएंगे वो डिड से बनाए जा रहे हैं। पहले मैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आपको बता रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य कौन से होते हैं, इनको किस तरह से बनाया जाता है, समझ गए होंगे, समझ गए बच्चों। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाऊं, क्या वह स्कूल, क्या वह स्कूल गया, क्या वह स्कूल गया, तो ये प्रश्न किया गया है, क्या वह स्कूल गया, तो क्या आ जाएगा, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया, तो यहाँ पर क्या आ गया। अब यहाँ डिड जो दिया गया है इस डिड का मतलब ही जो बच्चों क्या होता है, समझ गए होंगे आप लोग सभी क्या होता है। देखिए जो सेंटेंसेस हम लोग बना रहे हैं ये आ गया सपोज दैट डिड से स्टार्ट होने वाला, डिड से और भी आप वाक्य बना सकते हैं, जैसे हमने एक वाक्य और बनाते हैं अभी, देखिए बनेगा स्टार्टिंग में क्या ही आया, क्योंकि इसका जवाब किस में होता है, हाँ या ना में होता है। जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया या खा लिया, एक ही बात है, क्या तुमने खाना खाया था या खाया, तो क्या आ जाएगा, डिड यू। अब देखिए बच्चों यहाँ पर खाने का जो मतलब होता है, एक तो देखो ईट हो गया, डिड यू, हम समझ ले ध्यान से, डिड यू ईट या डिड यू पैक, और साथ में कर देंगे फूड, डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू पैक फूड, खाना लिया या खाना लिया खाया। अब बात करते हैं वाक्य के बीच में, जैसे उसके लिए बोले कि तुम, देखिए तुम कल बाजार क्यों गए थे। देखिए बच्चों वाक्य में, देखो मैं बना रहा हूँ आथा ई थी ये थे, ध्यान रखिएगा जो हम आगे परफेक्ट पढ़ेंगे वहां आपसे सब मालूम चल जाएगा। तुम कल बाजार क्यों गए थे, तो क्यों आ रहा है शुरू में, तो क्या कर देंगे, वाई डिड यू गो, वाई डिड यू गो टू मार्केट, अब आई क्या कर देंगे, यस्टरडे, वाई डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग जाएगा, सभी सेंटेंस के लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, समझ गए। एक सेंटेंस और देखते हैं ऐसा ही यहां देख लेते हैं, दिख रहा है आपको, चलो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वाक्य को मिटा के फिर लिखता हूं मैं आगे, फटाफट से ले लीजिए।
हो गया। ओके देखिए, हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यू एच वर्ड दोनों के सेंटेंस आपको अलग अलग तरीके से बताए जा रहे हैं, समझ में अच्छे से आ रहा होगा जहां तक है। और देखते हैं किसी भी चीज, राम ने रावण को क्यों मारा। देखिए सेंटेंस है अंग्रेजी में, राम ने रावण को क्यों मारा, क्यों आ गया वाक्य में बच्चों, तो क्या आ जाएगा, वाई डिड राम, वाई डिड राम क्या आ जाएगा, किल रावण, वाई डिड राम किल रावण, वाई डिड राम किल रावण, राम ने रावण को क्यों मारा। बताओ सेंटेंस ठीक है या नहीं है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं इसका लास्ट का जो है इंटरोगेटिव के साथ, यही बता देता हूं वो आ जाएगा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, दोनों एक साथ में बता रहा हूं, दोनों का पैटर्न देख लीजिए, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड जो आर यू कॉल डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस वाक्य में कुछ भी आगे यूज किया जा सकता है। जैसे कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे। अब क्यों नहीं गए थे, देखिए साथ में वाक्यों कैसे बनाएंगे, वाई लग जाएगा शुरू में तो वाई डिड यू, और साथ में लगा देंगे नॉट, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है बच्चों, बताओ कोई प्रॉब्लम आई। तो ये हमारा जो टेंस है बच्चों, ये पास्ट टेंस है जो आज हमारा कंप्लीट होता है। आपके लिए बहुत इजी वे मैंने आपको तैयार किया है, सेंटेंस बनाए हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पास्ट टेंस के बाद जो पास्ट इंडेफिनेट के बाद जो अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यू, बहुत ही अच्छा है, वो भी एक क्लास में पूरा कर दिया जाएगा। आप इन दोनों वीडियोज को, पास्ट इंडेफिनेट का जो फर्स्ट वाला पार्ट है पॉजिटिव सेंटेंस का, और ये जो नेक्स्ट अपना ये वाला है, इनको आप ढंग से देखिए, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, आपको कहानियां बनाना आ जाएगी, मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना आपको अच्छे से आ जाएगा, बस जरूरत पड़ेगी तो वोकैबुलरी की, वो आप तैयार कीजिए। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक गुड डे गुड बाय।